सो गाइस 10 बजने वाले हैं, हम उठ चुके हैं अभी। नियो बोले जाएंगे सबसे पहले नीचे। नियो चलो गेट अप गाइस। सो गाइस देखो रथ तैयार है, ठीक है, शोभा यात्रा निकलेगी थोड़ी देर में। Hey guys, good morning and welcome back to the channel. तो गाइस आज है 22 जनवरी एंड आज अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है, ठीक है। तो उसका उत्सव पूरा भारत मना रहा है अलग अलग जगह, मतलब आप समझ लो आज दिवाली है एंड आज हमारी सोसाइटी में भाई भंडारा भी है एंड प्राण प्रतिष्ठा के मतलब शुभ अवसर पे एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तो भाई देखो रथ यहाँ तैयार हो चुका है, ठीक है, एंड भाई वो देखो सब चीज़ें रेडी हैं पूरी ना, यहाँ पे वो निकलेगी एक झांकी टाइप की निकलेगी, रथ यात्रा निकलेगी पूरी बढ़िया से, दिखाऊंगा मैं आपको। चलो उससे पहले मैं और नियो जाके ग्राउंड नीचे मार के आते हैं, ठीक है। आज ज़्यादा तो घूम नहीं पाएंगे भाई, न्यू ग्राउंड नीचे घुमा के लिया था, लेकिन आज ना हम ज़्यादा वॉक नहीं कर पाएंगे। रीज़न बीइंग यही है उसका कि भाई आज नीचे भीड़ भाड़ भी होगी ना, तो अच्छा मिल लगता है ऐसे में, ये भी थोड़ा इधर उधर होता है जब ज़्यादा, और दूसरी बात है ना ये गलती छूट गया ना तो भाई लोग जो आ रहे होते हैं ना ये भाग के जाते हैं, तो ये लोग डर जाते हैं, तो बाकी किसी को अनकम्फर्टेबल फील ना हो श्रीनी को ले आता हूँ पीछे साइड वॉक करवा के इसको अच्छे से, इसका मॉर्निंग रूटीन ताकि हो जाए एंड इसको वापस ले आते हैं फिर, एंड ऊपर से हम देखेंगे। और मैं हाँ नीचे जा रहे तो आपको मैं डेकोरेशन दिखाऊंगा, वैसे मैंने कल की वीडियो में दिखाई थोड़ी बहुत, अभी डे लाइट में देखेंगे डेकोरेशन, ठीक है। देखो गाइस क्या मस्त रंगोली बनाई हुई है, पूरी फूलों की माला लगी हुई है, तो गाइस बास्केटबॉल कोर्ट में तो आज टेंट वगैरह लगा हुआ है क्योंकि वहाँ भंडारा है। तो नहीं बेटा आज तो तुम वहाँ दौड़ नहीं पाओगे, आज यही घूम के चल देते हैं अंदर, वापस चल देते हैं इसको ना। वैसे मैं पीछे बैक साइड ले गया था, वहाँ पे थोड़ा घुमाया, थोड़ा यहाँ पे घुमा देते हैं एक राउंड फिर चलते हैं वापस। तो गाइस ये आ गई अपनी सुबह की पहली चाय। नियो यू वांट सम चाय? नो, चलो हम चाय पी लेते भाई फटाफट। तो गाइस झांकी निकलने लगी है, सो गाइस मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है मस्त करके, बैक वर्कआउट किया आज, ठीक है, एंड थोड़े लाइट वर्कआउट कर रहे हैं, ज़्यादा हैवी नहीं कर रहे क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना अपने को, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। ओके भाई वर्कआउट वगैरह तो हो गया एंड गाइस अभी 12 बज गए एंड थोड़ी देर में प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है वो आ जाएगा, 12:05 का मुहूर्त है, तो वो हम यहीं बैठ के लाइव देखेंगे। ओके फिलहाल थोड़ा कुछ खा लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स एंड प्रोटीन एंड गाइस आज क्योंकि हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, तो आज हमारी पूरी जो डाइट रहेगी वो वेजिटेरियन डाइट रहेगी। ओके थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे, पहले कुछ खा लेते हैं, कुछ खाने के लिए ले लेता हूँ, बहुत तेज भूख लग रही है। ये ले लिया मैंने ड्राई फ्रूट्स और एक स्कूप वे प्रोटीन का, चालू कर दिया आज से। जय श्री राम। जय श्री राम। सो गाइस हमने नहा के चेंज कर लिया, ठीक है, अभी अपने ऑफिस वगैरह स्टार्ट कर लिया भाई, मैं तो इतने ज़्यादा कपड़े पहन लिए, देखो इनर वगैरह पहन लिया एंड बाहर ना धूप भी आ गई, अभी हल्की हल्की धूप आने लग गई है, तो गर्मी हो गई तो फिर दोबारा कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। चलो भाई थोड़ा ऑफिस कर लेते हैं, थोड़ी देर मिलते हैं आपसे। तो नियो ने भी नहा लिया है, सुंदर सुंदर हो रहा है नहा, सुंदर सुंदर हो गया नियो नहाने के बाद। सो गाइस सर्दियों में ना नियो नहा नहीं पाया, मतलब नहाया तो ऑब्वियसली इसने, बट इस बार जो उसने नहाया ना पूरा उसने 1 महीने बाद नहाया है। वैसे आपको बता दूं कि डॉग्स को ना ज़्यादा जल्दी नहलाया भी नहीं जाता, मतलब मिनिमम 15 दिन का गैप तो होना चाहिए, अगर आप उससे पहले अगर आप नहला दोगे डॉग्स को ना तो इनके बॉडी में जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर इनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो इसलिए कम से कम 15 दिन के बाद ही नहलाना पड़ता है इसको। इस बार तुमने 1 महीने बाद नहलाया इसको। चलो तुम्हें वहाँ छोड़ के आता हूँ, चलो रिच्चू के रूम में चलो। गाइस हम लोग यहाँ नीचे फंक्शन पे आए हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी हुआ सोसाइटी में बहुत कुछ, रंगोली बनाई है बहुत प्यारी है, अब भंडारा लगा है, अभी हम जा रहे हैं खाने के लिए। पूरा मंदिर बहुत सुंदर सजा रखा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, हम भी जाते हैं बताते हैं आपको क्या क्या डिशेस बनी है। कैसा हो रहा खाना पापा? बढ़िया, इतनों खाना खा रहे हैं, अभी हम भी जाके लेके आते हैं, चलो
खाना तो बहुत टेस्टी लग रहा है, लाइन भी उतनी ही काफ़ी लंबी लाइन है तो हम भी लगते हैं लाइन में और वेट करते हैं प्रसाद का। ओ दो जगह लगा है, दो जगह बना है और दो जगह लाइन लगा है। गाइस भंडारे का खाना यहाँ बन रहा है, इतने बड़े बड़े उसमें सब लोग बहुत रेडी हो के आए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। बड़े बड़े इसमें खाना बन रहा है, पूड़िया बन रही है, खतरनाक वाला हो रहा है बाहर कि बाहर तो एकदम ना, बाहर जाके एकदम तुरंत अंदर भागने का मन कर रहा है, इसलिए हम अंदर आ गए। उनके साथ थोड़ा ऑफिस भी है, मंडे ना थोड़ा बिजी जाता है, वैसे आज तो मंडे थोड़ा बिजी जाता है, तो अभी ना शाम को अपनी मीटिंग्स वगैरह रहेंगी तो थोड़ी देर में चाय वाय पीते हैं फिर उसके लिए। तो मैंने छोटा सा ब्रेक लिया, मैंने ऑफिस ब्रेक मतलब टी ब्रेक टाइप का, चाय वाय पीते हैं उसके बाद दोबारा से काम में लग जाएंगे। ओके तो गाइस दिवाली के दिए जल चुके हैं एंड रिचू जारी लगाने, रिचू और कोमल दोनों जारी लगाने, रिचू इसलिए भी जारी लगाने क्योंकि ना वो मतलब दिवाली में तो थी नहीं, तो ये आज भी दिवाली है भाई, तो चलो लगा दो कोमल आ जाओ, ये सबने लगा रखा देखो सामने हमारे, ये देखो डरपोक पटाखे फूट रहे ना इसलिए थोड़ा डर रहा है ये। नियो को ऐसे बैठा रखा है, अभी बड़ी मुझे शांत हुआ है, और म्यूजिक भी वो लगा रखा है जिससे डॉग काम रहते हैं। सो गाइस 8 बज गए भाई, बाहर इतने पटाखे फूट रहे हैं ना, अंदर है नियो रूम में एंड भाई मैं डिनर करने बैठ गया हूँ, ठीक है। एंड गाइस ये दाल है एंड ये सब्जी है एंड ये ना भंडारे की जो दिन की आई थी वाली सब्जी, क्योंकि मैंने तो पहले खा लिया था तो ये मैं अभी खा रहा हूँ, ठीक है। एंड साथ में घर में बनी है आलू गोभी की सब्जी एंड साथ में रोटी है, मस्त करके अपना डिनर कर लेते हैं टाइम पे क्योंकि फिर अपनी मीटिंग वीटिंग आ जाएगी। ओके सो गाइस रात के बज गए 10:30, ठीक है। एंड अपना ऑफिस वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मैं जा रहा हूँ नियो को लेके एक राउंड नीचे क्योंकि ये ना आज नीचे नहीं गया बेचारा शाम को, मतलब 3-4 बजे के टाइम पे ले गए थे क्योंकि बहुत पटाखे बहुत फूट रहे ना, इसलिए गया नहीं नीचे। चलो बेटा तेरे को लेके चलता हूँ, चलो मैं देखो मस्त सजावट हो रखी ना हर जगह आज भाई, सर्दी हो रही बहुत तगड़ी। तो गाइस अभी पटाखे फूट रहे थे भाई, 11 बजने वाले हैं स्टिल बट पटाखे फूट रहे थे। अब भाई दिवाली है तो पटाखे तो फूटेंगे, ठीक है। बट नियो को मैंने इस तरीके से ना ज्यादा देर नहीं रुका है, मुश्किल से 2 मिनट रुका हुआ खा रही है, बट इसी में मैंने इसका जो रूटीन है ना उसका वो करवा दिया, तो अभी मस्त रिलैक्स होकर सो जाएगा एंड हम भी सो जाएंगे। सो गाइस इसी के साथ करते हैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त एंड राम उत्सव का आपको बहुत बहुत बधाई एंड आपसे मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड देखते रहिए पीयूष के ब्लॉग्स। Thank you.